सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। क्या हमें वायरस को कम्युनलाइज करना चाहिए था? देखिए, मुझे लगता है इसमें इसको किसी ने कम्युनलाइज नहीं किया। ये जो निजामुद्दीन की घटना हुई उसकी एक रिएक्शन और डर लोगों के मन में पैदा हुआ। कोई फल बेचता है, अगर मुसलमान में जाऊंगा तो मुझे वायरस अटैक करेगा क्या, इस प्रकार का। ये किसी मीडिया ने, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने और सरकार ने नहीं किया, एक ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गई। पर आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा कि हमने सबको बुलाकर गवर्नमेंट के पास अल्पा बचत भवन में नागपुर में, मैंने सबको कहा कि देखो ये हम सबकी, आप सबकी चिंता है, आपके जीवन की रक्षा हो, पर आपके हित में इसलिए इसको ये करना है। लेकिन आपको आप मुसलमान से नहीं डरेंगे कि मुसलमान से कोरोना वायरस आता है? देखिए, प्रॉब्लम ये हुआ कि निजामुद्दीन की घटना के बाद जो लोग अपने अपने गांव गए हैं उनके बस्तियों में कुछ प्रमाण में ये बढ़ा है, ये दिख रहा है और ये सत्य घटना है और इसके कारण लोगों के मन में डर है। फिर भी हमको लोगों को, उनको बचाना है, उनको गाइड करना है, प्रशिक्षित करना है और हम कोई जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर कोई सरकार चलती नहीं ना चलनी चाहिए। और इसलिए पर आज एक डर समाज में लोगों के मन में लगा है कि भाई इसको वायरस हुआ।